चीज भी बड़ी दुर्लभ है। तो माता पार्वती कहती हैं, भैया किस चीज की दुर्लभ है? शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में जो सत्संग है पार्वती ये सबसे बड़ी बुद्धि है। कहते निमिष दंड भर एक बोले पार्वती अगर एक निमिष एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पूरी आग तुलसी सत्संग नाशे को पार्वती अगर थोड़ी सी समय अगर जीवन में सत्संग हो जाए पार्वती जीव का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए समझो आज घर में साधु लोग आए हैं, घर में हरि कीर्तन हो रही, इसलिए भागवत कहता है सर्वाणी तीर्थानी बसंत तत्र, जिस घर में संत लोग आए हरि कीर्तन हरि कथा हो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जितना तीर्थ है उसी घर में सबके सब तीर्थ आ गए जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो गई। जितना मंगल भवना अमंगल हरि भगवान कथा, जिस घर में कीर्तन हो घर का सारे अमंगल दूर हो जाते, घर का सारे अमंगल घर की दूर हो जाती है। इसलिए समझो आज आज समझो हम लोग का बड़े भाग्यवान है जो घर में संत लोग आए, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है। बोले भैया ये सत्संग की इतने दुर्लभता क्यों? सत्संग से हमें क्या मिलता है? सत्संग हमें क्या मिलेगा? जो कि शंकर जी पार्वती को कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता क्या मिलेगा? एक छोटी सी स्टोरी सुन लो ध्यान लगता है। बोले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा घर में कोई औलाद नहीं, इसलिए राजा बड़ा दुखी है भविष्य में कि राज गति को कौन संभालेगा, बड़े दुखी है राजा। एक दिन कोई बहुत बड़े संत राज दरबार में आए, बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना? बोले क्या ठीक है, इतने सारे राज संपत्ति कौन संभालेगा, कोई औलाद घर में? लेकिन संत बहुत बड़े पहुंचे हुए थे, बोले ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे घर में बच्चा होगा। सचमुच से रत्ना जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकीरी, लकड़ी मतलब हमारे भाग है, तुम्हारी भाग्य में अगर नहीं हो लेकिन कोई सचमुच से कोई संतों का आशीर्वाद हो जाए ना। अब भागवत पढ़ के देखना है, आत्मदेव का संतान नहीं था लेकिन संत ने एक फल दिया मंत्र पढ़ करके और फल खा कर बचा हुआ। इसलिए अगर तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं है अगर किसी संतों के आशीर्वाद हो जाए ना और नहीं है हो जाता है, तो संत ने आशीर्वाद दिया तो सचमुच घर में बड़ा सुंदर राज कुमार जन्म लिया। उस दिन बाद फिर संत आए पूछे सब ठीक ठाक है? बोले क्या ठीक ठाक? बोले क्यों आशीर्वाद दिया घर में बेटा हुआ ठीक ठाक नहीं किया? क्या और बड़ा दुख की बात? बोले क्या? तो बच्चा भी छोटा था, कुछ डाकुओं ने पैसा के लोभ से बच्चे को किडनैप कर दिया, बच्चे को क्या कर दिया? किडनैप कर दिया पैसा के लोभ से। हम तो बड़े दुखी है क्योंकि संत थे। फिर ध्यान लगाया बच्चा गया क्या? बोले अगर आप बोलोगे पहले वो बच्चे को मैं समझाता हूँ सचमुच वो एक और उसको असली पिता माता किया है, अगर वो समझ जाएगा ना फिर वापस लाओ तो बच्चा मेरे सही जाएगा। उस देश का जो राजा रानी तुम्हारी पिता माता है, एक दिन ये राज्य का राजा तू बनने वाला है। बोले जब तू छोटा बच्चा था तेरे को बचपन से इन लोगों ने पैसा की लोभ से किडनैप किया, देख बच्चा इसका प्रमाण देख। बोले उसने देखा सचमुच से जिसको किडनैप किया उनके साथ में कोई चेहरा ही नहीं मिलता, वो उसका चेहरा मिलता राजा रानी से, किसे मिलता है? राजा रानी से। बोले देख बेटा तुम रोज रोज छापन भोग छत्तीसी व्यंजन खाने वाले हो लेकिन सूखे रोटी भी तेरे नसीब में नहीं मिलता है। बस जब ले आए बच्चा देखा राज महल उसका घर, रोज छापन भोग छत्तीसी व्यंजन खाने वाले, कितने नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं, हैं? और देश का राजा वही देश का राजा लेकिन झोपड़ी में रहता कभी नहीं मिलती है, हैं? समझो आज किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है जो घर में संत लोग आए हैं, संत लोग घर में आए हैं। इसलिए सत्संग से क्या मिलेगा? देखो
कि जो कथा है ना और किसकी नहीं, हमारी कथा है। कौन है? भगवान ही हमारे पिता माता भाई, वही हमारी असली पिता माता भाई बनते हैं। वो कहाँ रहते हैं? अपना गलत वृंदावन में रहते, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई दुख का नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद। जब मुझे प्राप्त करता है पुनर्जन्म खत्म, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर चिंता वृक्ष कल्प वृक्ष, जहाँ पर अद्भुत दिव्य धाम है भगवान की धाम है। इसलिए ये बात को बच्चे को, जो किडनैप बचा हुए ना, और कोई नहीं, हम ही सब किडनैप हुए। यहाँ पर कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चे से दुखी। दुखी दुखी है कि नहीं संसार में? सब दुखी संसार में, लेकिन के प्रभु का चरण में राम हरे राम राम हरे। बस भगवान का नाम जब करते तो कल्याण। इसलिए आप देख लेना, हमारे भारत में भले ही जिंदगी में तुम जो कुछ करना कर लो, कहाँ जा रहे हो? अब कहीं मत जाओ, तब जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किया है, छोटे में जीवन बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ जाने वाले नहीं। पत्नी जाएगी तो जिसको शादी किया दरवाजे तक जाएगी वो नहीं जाएगी। अच्छी तरह सुनो, मैं पूछूंगा कहानी के बाद में, जो बोलते ना कहानी इसको इनाम मिलेगा, और जो बोल नहीं पाएगा बीच में खड़े कर। पहले तुमसे पूछो, ध्यान दे, चाचा जी से बोलेगा ना, ये चाचा है ना, क्या चाचा जी करता था ना, ज्यादा जो मांगता था वही ला कर देता है। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो चार रानियों में सबसे सुंदर थी। हर व्यक्ति चाहते पत्नी मेरी सुंदर हो, चाहते ना पत्नी हमें देखने में अच्छी हो। इसलिए राजा जो हमें घूमने जाते ला दो, यही तो चाहते ना। तो इसने घर में पति आते ही पत्नी सास के साथ भी लड़ाई हो गई, देवर ने ये बोल दिया घर में, ये पति को नहीं बोलनी चाहिए, उसको इतने अच्छी बात बोलो जैसे पत्नी, जैसे पति खुश हो जाए। समझ रहे हो सब? पति आते ही झगड़ा झगड़ा की बात सुनो। सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे तू खड़े हो जा तो वहीं पर बैठो। अभी चार चार रानियां हैं, इसलिए अभी सोच रहा है देखता हूँ कौन कहाँ तक जाएगा। अब सबसे बड़ी रानी से पूछा, दिखाएगा तुम्हें, बोले तू साथ में चलोगी, अब तीसरा नंबर तेरे को याद है। इसलिए अब बोले तू साथ में चलोगी, लेकिन वो कहती मैं तो देखता हूँ तू कब मारोगे। मैं दूसरे जो मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, बोले उससे पूछा तू साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तो चलो। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलता है? बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना दरवाजा से, बोले चार ही कान में चलोगी, रानी तो बिगड़ गई। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तू जब से मेरे को घर में शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि? कभी पूछा तुमने? जिंदगी भर तुम निगलेक्ट करके रखा, और अंतिम समय में कहते हो करना इसको जीवन में उतारने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी रानी मतलब है, अब भी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, तो हम देते हैं। लेकिन अंतिम समय जब आए, शास्त्र कहता है जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, जगत में केवल स्वार्थ है। चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि अभी तुमको मिलता है, तुमसे मिल रहा है, मिलना बंद कर दो, कुछ का जगह जाना चाहते चलो, बढ़िया कपड़ा पहनाने के लिए चलो, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर से आत्मा चली जाएगी, बोले जब हंस अकेला उड़ जाएगा, केवल आप पिंजरा शरीर साथ में चलेगी, ऐसा किसको साथ में? दूसरों और किसको साथ में चले जाएगा? और किसको साथ में? पैसा चली जाएगी, वो कहती है भैया तेरे साथ में चलने वाले नहीं, मैं दूसरे से शादी करूंगी। और जिसको पास में जाएगा वही उसको भोग करेगा। इसलिए वो कहती भैया तेरे साथ नहीं हूँ मैं, देख रहा। परिवार वालों से पूछे चलोगे, परिवार वाला कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट, उसको आगे नहीं चलेंगे, यहीं पर आ जाएंगे ना। अभी चौथी नंबर, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर रहे थे, बेकार किसी एक कोने में फेंक रहे हैं, लेकिन भैया जो कुछ कर दो, लेकिन अंतिम समय आएगा जब शरीर छूटेगा,
जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम राम सत्य। बोलो सब पत्नियां उसको सुनाएंगे, भैया राम नाम सत्य है। अब गोपाल को करनी चाहिए, समय किसको देनी चाहिए? भगवान को देनी चाहिए। और भगवान कलिजुग में बोले, कलिजुग केवल नाम आधारा असुमेर सुमेर कर उतर ही भरा। कलिजुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत बनेगा करोड़ों पति, याद होगा ना? इसलिए महा भगवान के भी कौन बनेगा लखपति है? देखो मेरे तरफ में देखो, लखपति किसे बनाओ? ध्यान देकर देखो। अब तुमको फिर माला दूंगा, माला जप करना, ठीक है? देख लो कैसे लखपति बना। माला में नाम जप करोगे ना, ये जो अंगुल है उसको नहीं उसमें लगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। एक बार मोटी सर्क से 16 नाम है। अगर ऐसे अगर इसको यहाँ तक खत्म हो गया, अगर इसको ऐसे 16 माला करना हिसाब से कर जाओ तो VIP व्यवस्था होगी। भगवान का धाम से रथ आया तुमको लेने के लिए। भगवान खुद कहते हैं, कहते मेरे नाम जो जप करते हैं अंतिम समय में मैं गोलोक वृंदावन से उसके लिए रथ भेजता हूँ। ध्रुव महाराज है जो मेरे भजन करते उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन से पास पास बैठ गए।